हेलो एवरीवन, आज मैं आ गया हूँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के स्मृति स्थल में। और ये वाराणसी में स्थित है। यहाँ का टिकट 20 रुपये है, जो कि मैंने यहाँ पर ले करके एंट्री कर ली है। इस पार्क में जब आप एंट्री करते हो, तो सबसे पहली चीज़ जो आपको अपनी ओर आकर्षित करती है, वो है इस पार्क में बनाई गई एक दीवार, जिसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में कुछ विशेष बातें बताई गई हैं। और भी बहुत कुछ है इस दीवार में, तो सबसे पहले हम इस दीवार को ही देखते हैं। इस पार्क में बहुत सारे पेड़ पौधे वगैरह भी लगाए गए हैं। बाकी सुंदर देखने में सब कुछ लग रहा है, लेकिन क्या कहते हैं, सबसे जो मेन चीज़ है जो उस तरफ दिखाई दे रही होगी आपको, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो मूर्ति है, बहुत बड़ी मूर्ति बनाई गई है। उस तरफ हम लोग बाद में चलेंगे, सबसे पहले हम लोग इस दीवार को ही कवर कर लेते हैं। इस दीवार के पर बहुत सारी डिजाइनें वगैरह बनाई गई हैं, और इस दीवार के आगे पीछे दोनों तरफ डिजाइनें बनाई गई हैं। तो चलिए अब पीछे की तरफ भी चल लेते हैं और वहाँ पर भी देख लेते हैं कि वहाँ पर भी क्या क्या है।
नेक्स्ट सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो है वो इस पार्क का, वो आपको सामने जब आप इस रास्ते से जा रहे होंगे तो आपको सामने नज़र आ जाएगा, और वो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का ये स्टैचू, जो कि बहुत ही अलग नज़र आता है। और मुझे लगता है इस पार्क की सबसे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो यही पे यही यही है। और आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे वगैरह लगाए गए हैं जो कि बहुत ही अच्छे लगते हैं देखने में, बहुत ही सुंदर नज़र आते हैं। इस पार्क में एक पोडियम के जैसा बहुत ही अच्छा डिज़ाइन किया गया है जो कि बहुत ही कूल नज़र आता है। यहाँ पर आप फोटो वगैरह वीडियो वगैरह शूट कर सकते हो और बहुत सारी चीज़ें अपने हिसाब से कर सकते हो, देखने में बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत ही कूल नज़र आता है। तो यही है इस पार्क की अच्छी बातें, और इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।